हेलो फ्रेंड्स, जीना इसी का नाम है। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लिट्टी चोखे की रेसिपी। आइए देखते हैं। लिट्टी चोखे की रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए अजवाइन, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, दो कटी हुई हरी मिर्च, एक भुना हुआ टमाटर, दो कटी हुई प्याज, हरा धनिया, देसी घी और एक कटोरी ऑयल और 4-5 बॉईल करे हुए आलू और चने का सत्तू एक कटोरी, दो कटोरी गेहूं का आटा और पानी। सबसे पहले हम आटे को लगा के रख देंगे जिससे कि हमारा आटा सेट हो जाए। सबसे पहले हम इसमें क्रश करके अजवाइन डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आटे का डो हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं जब तक हम चोखा बनाएंगे हमारा आटे का डो सेट हो जाएगा, जिससे लिट्टी बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें हम एक कटोरी ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारी लिट्टी बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। तेल लाना हम बिल्कुल, ठीक है। अब हम तैयार कर लेते हैं लिट्टी की स्टफिंग। इसमें हम थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, स्वाद अनुसार इसमें अपना नमक डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी स्टफिंग बना लेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च, और कटा हुआ धनिया। देखिए हमारी लिट्टी की स्टफिंग तैयार हो गई है। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलूओं को फोड़ लेंगे। सबसे पहले इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। जो टमाटर हमने भुना हुआ था वो डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और धनिया डालेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
चोखा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बस सरसों के तेल और लहसुन का तड़का लगाना है। देखिए तड़का भी हमारा तैयार हो गया है, अब इसे हम चोखे में लगाएंगे। अब चोखे में हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने जो तड़का लगाया था वो हमने तेल इसमें और लहसुन अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए हमारा चोखा बनके बिल्कुल तैयार है, कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। जो हमने डोज लगाया हुआ था आटे का वो हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी लिट्टी बना के तैयार करेंगे। जब तक हम लिट्टी बनाएंगे उससे पहले हम गैस जला देते हैं, जिससे कि हमारा कुकर अच्छे से गर्म हो जाए और हमारी लिट्टी जल्दी से बने। मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है, अब हमारा कुकर गर्म हो रहा है, तब तक हम लिट्टी बना लेते हैं। हमने पहले थोड़ा सा हाथ में तेल लगाना है। इसी तरीके से हम इसकी हम पहले थोड़ी सी बड़ी पूड़ी सी बना लेंगे ऐसे। फिर इसके अंदर हम जो हमने बनाई थी सत्तू की स्टफिंग वो हम इसमें भर देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेन भी बना सकते हैं, सत्तू वाली भी बना सकते हैं। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो ये बेसन की स्टफिंग बनके भी भरी जा सकती है। इसी तरीके से हम सारी लिट्टी बना के रख लेते हैं। हमारी सारी लिट्टी बनके तैयार हो गई है। जो हमने कुकर को गर्म होने रखा था वो भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी लिट्टी कुकर में चिपके नहीं। ज्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा ही लगाना है। अब एक एक करके हम लिट्टी इसमें डाल देते हैं। हमने सारी लिट्टी कुकर में रख दी है और कुकर का ढक्कन अब हमने बंद कर दिया है। इसे धीरे धीरे गैस पे बनने देना है। थोड़ी देर में खोलकर देखेंगे कि हमारी लिट्टी कैसी हुई है। चलिए कुकर खोल के देखते हैं कि हमारी लिट्टी कैसी बनी है। 10 मिनट हो गए हैं इसको। देखिए लिट्टी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। हमारी लिट्टी बनके तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लिट्टी चोखे की हमने प्लेटिंग कर ली है। लिट्टियों को हमने घी में डिप कर लिया है। लिट्टियों को घी में डिप करने के बाद लिट्टी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको हमारी लिट्टी चोखे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।